वेलकम टू माय चैनल रतन कुंवर। आज हम फ्रेंड्स ओरियो कैडबरी बनाएंगे, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। घर पे आप बहुत ही आसान और इजी तरीके से बना सकते हैं। 5 से 10 मिनट के अंदर ये ओरियो कैडबरी हमारी घर पे बनके तैयार हो जाती है। ये बच्चे बड़े सबको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। तो हमेशा की तरह फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपको तुरंत मिल जाए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिए। बच्चों को ओरियो बहुत ही ज्यादा पसंद आते हैं और इस पे और चॉकलेट आ जाए तो बहुत ही शानदार इसका टेस्ट होता है। तो पैकेट्स लिए हैं ओरियो बिस्किट के और मैंने यहाँ पे 1 कप के करीब डार्क कंपाउंड चॉकलेट लिए हैं। तो सबसे पहले हम डबल बॉयलर की सहायता से इस डार्क कंपाउंड चॉकलेट को जो है अच्छे से मेल्ट कर देंगे। आप चाहे तो इसे माइक्रोवेव में भी गर्म कर सकते हैं, बट मैं इसे डबल बॉयलर की सहायता से गर्म कर रही हूँ। जो है अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, तो अब हम इसे नीचे उतार देंगे। एक प्लेट ले लेंगे, प्लेट के ऊपर हम जो है इस तरह से बटर पेपर रख देंगे और इस तरह से हम इसके अंदर और इस बिस्किट को जो है हम चॉकलेट में अच्छी तरह से डिप कर देंगे। इसे एक स्पून की सहायता से बहुत ही अच्छे से इस तरह से निकाल के इस बटर पेपर के ऊपर हम इस तरह से रख देंगे। सेम प्रोसीजर है फ्रेंड्स, सभी बिस्किट्स को हम लेके इस तरह से इस पे डिप कर देंगे। तो ये रेसिपी आप जरूर ट्राई कीजिए, बच्चों को बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। और हमेशा की तरह फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। इस तरह से हम सारे बिस्किट जो है इसमें इस तरह से डिप कर देंगे। बचे हुए कंपाउंड का आप जो है चॉकलेट्स भी बना सकते हैं या फिर चोको चिप्स भी बना सकते हैं। इसकी रेसिपी भी मैंने अपने चैनल में डाली है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके जो है देख सकते हैं। तो इसे मैं 5 मिनट के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख दूं। इसे मैंने 7 मिनट के फ्रिज में रख दिया था। ओरियो कैडबरी जो है बनके तैयार हो चुके हैं, तो इसे हम इस तरह से निकाल देंगे। मैंने यहाँ पे बटर पेपर का इस्तेमाल किया था, तो इसलिए बहुत ही इजीली ये निकल जाते हैं। अब इसके पास जो एक्स्ट्रा चॉकलेट लगी है इसे आप निकाल सकते हैं चाकू की सहायता से। इन ओरियो कैडबरी को आप जो है एक एयरटाइट डब्बे में डाल के फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। ये बच्चों को बहुत ही ज्यादा पसंद आएंगे। मेरा वीडियो जो है फ्रेंड्स एंड तक देखिए। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हमारी अगली नई रेसिपी में।